अंबाला के गोविंदपुरी शमशान घाट में 5 महीने पहले एलपीजी संचालित कोरोना मशीन दाह संस्कार के लिए लगाई गई थी, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था वो पुरानी परंपरा के कारण आज तक इस मशीन में एक भी दाह संस्कार नहीं हो पाया। प्रशासन के फैसले के बाद अब अंबाला शहर में कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार एलपीजी गैस से संचालित कोरोना मशीन में ही होगा। वहीं गोविंदपुरी शमशान घाट का संचालन करने वाली खत्री सभा द्वारा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया है कि एलपीजी शव दाह सिस्टम में संस्कार करने से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता और इसके अलावा समय और पैसे की भी बचत होती है। वहीं अस्थियां भी साफ सुथरी प्राप्त होती है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अंबाला शहर में मौतों का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। 31 जनवरी से 13 अप्रैल तक अंबाला शहर के रामबाग रोड गोविंदपुरी शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों में 19 से ज्यादा शवों का संस्कार किया जा चुका है। कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने हर शहर में एलपीजी शवदाह सिस्टम लगाने का कार्य शुरू किया गया है। नगर निगम ने 4 महीने पहले 29 नवंबर को गोविंदपुरी शमशान घाट में लगभग 66 लाख की लागत से एलपीजी शवदाह सिस्टम लगवाया था, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था व पुरानी परंपरा के कारण आज तक इस शवदाह सिस्टम में एक भी दाह संस्कार नहीं हो पाया है। अब प्रशासन ने गोविंदपुरी शमशान घाट की देखरेख करने वाली खत्री सभा को आदेश दिए हैं कि कोरोना से मरने वाले लोगों के संस्कार एलपीजी शवदाह सिस्टम के जरिए ही किया जाए। बताया जाता है कि कोविड के कीटाणु 700 से 800 डिग्री पर मरते हैं, जो इसी प्रोजेक्ट के जरिए संभव है, जबकि लकड़ी के जरिए संस्कार करने में 300 से 350 डिग्री हीट ही निकलती है। मैं बद्रीनाथ सोवत प्रधान खत्री सभा हूँ, रजिस्टर्ड अम्बाला का प्रधान हूँ। ये एलपीजी का जो षड्यंत्र है, ये आज से नवंबर के अंदर माननीय नगर विधायक श्री असीम गोयल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और उनके प्रयासों से ये बनाया गया था। जब से लेके अब तक हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इसके अंदर संस्कार करवाएं, परंतु यहाँ पर लोगों की, अंबाला शहर पुराना शहर होने की वजह से और लोगों के पुराने विचार होने की वजह से लोगों की आस्था जो है वो लकड़ी में है और भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियों में यहाँ तक आस्था है कि लोग कहते हैं उसकी लकड़ से हो, अम्ब की लकड़ से हो, ऐसी कुछ आस्थाएं हैं। परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी लोगों ने इस बात के लिए जागरूक होने के लिए कोशिश तो की, परंतु अभी तक कोई भी केस जो है वो इसमें हम संस्कार नहीं कर सके। अब नगर प्रशासन की ओर से हमें ये उद्देश्य हुए हैं कि कोरोना के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसका संस्कार इसके अंदर किया जाए। इसमें संस्कार करने का ये लाभ है, एक तो ये जो है इसके अंदर ना तो पोल्यूशन होता है, सबसे नंबर एक बात। नंबर दो, इसमें जो है वो समय कम लगता है और इसमें जो आपको अस्थियां मिलती हैं बिल्कुल स्वच्छ होने के पश्चात मिलती है, और जितना भी राख आदि का जो होता है वो किसी किस्म का उसको डिस्ट्रॉय करने का या उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बावजूद भी हम लोगों को बार बार ये प्रेरित करते रहेंगे और कर रहे हैं कि अगर कोरोना से अलग भी कोई भी इसमें संस्कार कराना चाहेगा तो उसमें हम इसके उसके सहयोग करेंगे और इसके लिए हम अपने शहरवासियों को इसके लिए प्रेरित करते हैं और खत्री सभा इसकी ओर से आगे से विशेष इसको चलाने के लिए ध्यान देंगे। मैं सुरेंद्र मल्होत्रा, महामंत्री खत्री सभा रजिस्टर्ड अम्बाला शहर। इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया आपको कि जो लकड़ी में संस्कार किया जाता है उसमें 300 से 350 के करीब लगभग कीटाणु जो कोरोना के होते हैं वो मरते हैं, और मशीन में जो है सरकार ये ऐसा जो है डॉक्टर के मुताबिक ये बताया गया कि मशीन के अंदर जो है 700 से 750 जो है कीटाणु उसमें जो है वो ख़त्म होते हैं। तो इसलिए मशीन में करके ये लाभ है कि ये अपने कोरोना जो है वो आगे फैल लेगा, उसका खतरा नहीं है। इसीलिए हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार ने आज से इसका शुभारंभ करवा दिया है और अभी कोरोना का केस जो है इसमें संस्कार करने जा रहे हैं और उसके पश्चात जो है ये अब विधिवत तौर से कोरोना के सारे केसेस इसी में होंगे, और अगर इसके अलावा कोई और व्यक्ति भी कोई अपने के साधारण जो है व्यक्ति को कराना चाहे तो वो भी इसमें करवा सकता है। जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जागरूक करने के लिए जो है हमने यहाँ पे अपने दो लोग जो हमारे यहाँ पे जो है प्रबंधक के तौर पे हमने रखा हुआ जोगिंदर जी को, तो उनको पूरा इसके बारे में बताया गया है
वो सभी लोगों को प्रेरित करेंगे, सबको बताएंगे, उनको समझाएंगे, और समझाने के बाद बाकी देखो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है जी, हमारी तरफ से प्रयास पूरा होगा। मशीन सर अब लग गई है सरकार के अनुसार, अब यहाँ पर आदेश आ गए हैं, आज से कोई भी कोरोना पेशेंट आएगा तो उसका दाह संस्कार यहीं पे किया जाएगा, और हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा विधि पूर्वक जो हो दाह संस्कार यहाँ पर उनका किया जाए, और सरकार के ऑर्डर हैं अब जैसे तो संस्कार अब यहीं पर किया जाएगा। उससे क्या होगा, कीटाणु जो लकड़ियों में करते थे बाहर धुएँ में उड़ के निकलते थे, अब उससे जो होगा फिल्टर होके धुआँ बाहर निकलेगा। तो सर यही है आगे के लिए लोगों का, जागरूक कर रहे हैं सर लोगों को, सर सभी को कर रहे हैं जो कोरोना पेशेंट हैं उनको जो है दाह संस्कार इसमें किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।